राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो जो है भाई दो ट्रैक्टरों की हाइड्रोलिक टेस्टिंग के ऊपर है कि भाई जो पहले कहा जाता कि भाई मेसी की हाइड्रोलिक भाई बहुत लाजवाब है, और अब किसान भाई ये कह देते हैं कि अब तो भाई ज़माना बदल चुका है, अब तो हर एक कंपनी अलग अलग हाइड्रोलिक दे रही है। जैसे महिंद्रा ने एमटेक हाइड्रोलिक लॉन्च कर दी है, और ट्रैक्टरों में भी अलग अलग आती है, कोई नंबर वन सेंसिंग लिख के देता है, कोई कुछ लिख के देता है। तो क्या अब जमाना बदल चुका है या वही पुराना वाला जमाना है, मेसी को हाइड्रोली में कोई बीट नहीं कर सकता। आज की पूरी वीडियो जो है इसके ऊपर ही है अपनी, और मैं किस तरीके से ये टेस्टिंग करूंगा मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखो, पहले तो आपको इससे दो चीज़ों का लाभ हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा ट्रैक्टर सेंसिंग करता है या नहीं करता, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। भाइयों, इस तरीके से हमें ये लगा लेना है जुगाड़, और मैं मेसी में भी दिखा देता हूँ। मेसी में भी हमने बोल्ट लगा लिया इस तरीके से, और यहाँ पे हम फांस के, तभी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों में इस तरीके से हमने ये कर लिया है सेटिंग बाजी, और मेसी को टीलर पर राजा कह दें कि भाई मेसी टीलर का राजा है, और फार्म ट्रैक को ये कह दें कि भाई फार्म ट्रैक हाइड्रोली इतनी बढ़िया नहीं है। तो जो आज मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा मेसी की, वो फार्म ट्रैक के साथ करके दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले तो ट्रैक्टर को, आपको क्या करना है, ट्रैक्टर को भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है आपको, ठीक है भाइयों। देखो, मैं ट्रैक्टर को एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको, और इस वाले पोजीशन को डीसी लीवर को नीचे गिर देना है, और डीसी को जहाँ पे आप चलाना है वहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है भाई। अब देखो, जैसे ही हाइड्रोली ऊपर पहुँच जाएगी, तरीके से भैया लगाइए, जोर लगाओ इस पर, आगे करो इसे इस तरीके से। हाँ, देखो दोनों लीवर एक ऊपर है। अब देखो, जैसे ही इस पर जोर पड़ता है तुरंत छोड़ दो आप। हाँ, देखो भाई ये किस तरीके से वर्क करती है। जैसे इसमें टीलर जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो जैसे ही हम आगे की तरफ जोर लगाएंगे, मतलब टीलर जमीन में बैठेगा, तो ए इस तरीके से फोर्स पड़ता है आगे की तरफ को। तो देखो, दबाओ भैया आगे, देखो झेड़ देनी है आगे, ऊपर की तरफ जाती है। और जैसे ही हम इसे थोड़ा सा वो करते हैं, तो ये उतने ही रेसों पर नीचे आ जाती है हाइड्रोली। देखो दोबारा बढ़ाओ भैया, जैसे ही करेंगे देखो ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, मतलब कंट्रोलिंग। देखो यहाँ से देखो आप, दबाओ आगे भैया, दबाओ रहो, दबाओ रहोगे तो ये देखो ऊपर जा रही है, अब छोड़ दोगे तो नीचे की तरफ आ रही है। मतलब जैसे ही हाइड्रोली का झटका लगता है वैसे ही ऊपर जाती है, और देखो कितने सेंटीमीटर में जा रही भाई, ये तो मैं नहीं बता सकता, इंचों में भी जा रही है। और जितनी देर, अगर ज़्यादा देर पुश करे रहेंगे भैया, पुश करिए थोड़ी देर, तो देखो कितनी तेज़ी से ऊपर झटका मार रही है। मतलब सीधा सा फंडा क्या है इसका, एक तो इससे आपको टेस्टिंग पता चल रही है कि हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोली सही है या गलत है। दूसरी चीज़ ये देखो, जैसे ही हाइड्रोली पर जोर पड़ता है वैसे ही ऊपर नीचे का वर्क करती है हाइड्रोली। देखो ये देखो, पूरी टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं आपको, जिससे आपको पता चल जाए स्थिति क्लियर। देखो, और जिनके भाई ये सेंसिंग खत्म हो जाती है वो ट्रैक्टर टीलर पे फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको मेसी की दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि भाई मेसी को ये कह दें कि मेसी जो है भैया बंद कर दियो, मेसी जो है टीलर का बहुत बढ़िया वाला खिलाड़ी है। अब मैं आपको मेसी की दिखाता हूँ, मेसी की स्टार्ट करो भैया। ये तो बड़ी चोटी चल रही है ऐसे तो यार। आपको मेसी में भी पीसी लीवर नीचे गिर देना है और ड्राफ्ट ऊपर कर देनी है। करो सेटिंग उसकी, पीसी लीवर देखो नीचे हो गया, ड्राफ्ट ऊपर होगी। अब भैया वो लगाओ इसमें, अब देखो भाई मेसी की सेंसिंग दिखा देता हूँ। हमने पीसी लीवर नीचे कर दिया इसका, डीसी ऊपर है, और अब अंतर देखो इसमें आप भैया करो। ये देखो, जैसे ही इस पे जोर पड़ेगा, मतलब स्प्रिंग बाहर की तरफ को आएगा, तुरंत ही ऊपर, और जैसे ही स्प्रिंग छोड़ो भैया, अब देखो तुरंत ऊपर जा रही, मतलब कि समझ रहे हो, जैसे ही इस पे जोर पड़ेगा अंदर की तरफ को स्प्रिंग दबेगा, ये तुरंत ऊपर की तरफ जाएगी। और अंतर देखो भाई, सेंसिंग मुझे तो सेम सी लग रही, बट इतना अंतर है मेसी में
कि मेंसी का जो हाइड्रोलिक पंप है वो पीछे की तरफ होता। ये देखो इस तरीके से वर्क करती है। इससे पता चलता है कि हमारी सेंसिंग ट्रैक्टर की बिल्कुल सही है। और एक चीज और बता दूं भाई, आपने वीडियो देख ली, भैया बंद कर दो भाइयों। अब मैं एक चीज बताता हूँ इसमें भाई, मेसी में भी आपने देख लिया और फार्म ट्रैक में भी देख लिया, इन दोनों में देखो पीसी लीवर को मैं एक बार दोबारा बता दूं, नीचे रखना है और डीसी को ऊपर रखना है बिल्कुल। तब ये टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक सही है या गड़बड़ है। अब मैं बता दूं दोनों के रिजल्ट भाई क्या अंतर लगा मुझे। जैसे मैंने देखा भाई, सबसे बड़ा अंतर मुझे क्या लगा, जो फार्म ट्रैक का हाइड्रोलिक पंप होता है वो आगे की तरफ दिया हुआ होता है, और जबकि मेसी में जो चीज़ दी हुई होती है, मतलब हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो मेसी में पिछले वाले हिस्से में ही होता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे होता है मेसी का हाइड्रोलिक पंप, और सारा उसी का है, नैनो सेकंड का खेल। यहाँ पे होता है हाइड्रोलिक पंप मेसी का, जिस वजह से मेसी जैसी हाइड्रोलिक सेंसिंग आपको किसी ट्रैक्टर में देखने के लिए नहीं मिलती, और फार्म ट्रैक और ट्रैक्टरों में आपको जितने भी हाइड्रोलिक फिल्टर मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई नैनो सेकंड का जो अंतर आता है वही इस ट्रैक्टर को राजा बनाता है। और आज की टेस्टिंग में जहाँ तक है भाई मुझे तो सेम सा लगा, पर जब आप टीलर पर चलाओगे तो वो नैनो सेकंड वाला ही अंतर आपको फर्क दिखाता है टीलर पे, बाकी और कोई फर्क नहीं है। वरना सेंसिंग तो दोनों की सेम सी लग रही है, जो अपना प्रैक्टिकल है। इस चीज़ से बस ये चेक कर सकते हैं आप कि हाइड्रोलिक का जो पंप है वो सही से काम कर रहा या नहीं कर रहा। ठीक है भाइयों, अगर वीडियो इंटरेस्टेड लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।